हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दिया और आपको उससे कुछ ज़रूरी बात करना है तो उसी इंस्टा आईडी से उससे कैसे बात करें। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स, कभी कभी आपकी गर्लफ्रेंड आपसे गुस्सा रहती है और आप उसको इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं तो मैसेज सेंड करने के बाद आपको इंस्टाग्राम पर वो ब्लॉक कर देती है, तो आप इसी आईडी से उससे कैसे बात करें। तो देखिए, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ मैसेज किया तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दिया। मैं यहाँ से मुझे पता नहीं चला कि उसने मुझे ब्लॉक किया, तो मैं फिर एक बार और मैसेज करके ट्राई किया। और देखिए, मैसेज करके ट्राई करने के बाद फिर मैं इसका प्रोफाइल ओपन किया। प्रोफाइल ओपन करने के बाद मुझे पता चला कि इसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया। तो उसके बाद सिंपली फ्रेंड्स, आपको करना क्या, आपको एक न्यू आईडी बना लेना है या फिर अपने फ्रेंड्स का एक आईडी ले लेना है, उसमें एक छोटा सा ग्रुप क्रिएट करना है जिसमें आप अपने फ्रेंड को और अपनी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड को ऐड कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ एक छोटा सा ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं ये दोस्त की गर्लफ्रेंड को ऐड कर दिया और फिर मैं अपने दोस्त को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो ऐड करने के बाद देखिए, यहाँ ग्रुप रेडी हो गया। एक ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ। उसके बाद देखिए, ग्रुप में ये दोनों के पास मैसेज चला गया, ये दोनों ग्रुप में आराम से बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर देती है तो आप इस आइडिया के थ्रू खुद को अनब्लॉक करा सकते हैं। और देखिए, हाँ, अगर आप अपने फ्रेंड के फ़ोन से ग्रुप क्रिएट करते हैं तो ग्रुप क्रिएट करने के बाद अपने फ्रेंड को आप लेफ्ट कर दीजिएगा तो देखिए ग्रुप में बस आप और आपकी गर्लफ्रेंड बचेंगी, तो आप आराम से बात कर सकते हैं, आपका मैसेज कोई तीसरा पढ़ने वाला नहीं रहेगा। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स लाइक कमेंट ज़रूर करें।